फ्रेंड्स, वेलकम टू मानस एकेडमी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एकेडमी मानस एकेडमी पे। और पॉलिटिकल साइंस के मस्ट नो सीरीज चल रही है। मस्ट नो सीरीज की प्लेलिस्ट का ये अगला वीडियो एबीसी ट्रायंगल लेकर के मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, एबीसी ट्रायंगल क्या है? इसे हिंदी में एबीसी त्रिकोण या एबीसी त्रिभुज भी कहते हैं। और जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये है आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने एबीसी ट्रायंगल दिया था। दोस्तों, एबीसी ट्रायंगल देख करके डायरेक्टली इसको समझना कि किस सेक्शन से इंपॉर्टेंट होगा। तो बेसिकली हम इंडियन पॉलिटिकल थिंकर में विनोबा भावे को पढ़ते हैं, वहां पे ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, ये इंटरनेशनल रिलेशंस में भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि ये क्या है। उसके पहले जो भी मेरे दोस्त यूजीसी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस को टारगेट कर रहे हैं, मैं उनको बुलाता हूँ, उनको आमंत्रित करता हूँ मानस अकेडमी पे। आप मानस अकेडमी पे आइए और पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स पढ़िए, ठीक है सर, जिसमें आपका नेट, सेट, पीजीटी, पीएचडी एक्सेट्रा जितने भी एग्जामिनेशन है सबका कोर्स यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज ऑफ 10 यूनिट, सारी 10 यूनिट बहुत डिटेल में कवर हो रही हैं। सबसे विशेष बात टू द पॉइंट टीचिंग है, कहने का मतलब कोई दाएं बाएं की बात नहीं। शटल हम अपने पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करते हैं, जिससे कि आपको समझना आसान हो जाता है। बेसिक टू एडवांस हमारी अप्रोच रहती है। बेसिक टू एडवांस का मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत एवरेज स्टूडेंट भी हैं और आपने पॉलिटिकल साइंस से बहुत ज्यादा गैप भी हो चुका है, चिंता वाली बात नहीं है, बिकॉज बेसिक अगर स्ट्रांग है तो एडवांस अपने आप आ जाता है। और सबसे खास बात रहेगी, नो नीड टू फॉलो एनी बुक और नोट्स। आपने जब ये फाउंडेशन कोर्स कंप्लीट कर लिया, उसके बाद में आपको किसी भी तरह की कोई बुक या नोट्स की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि आप पढ़ें। ये आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। और क्लासेस बायलिंगुअल होगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए इक्वली बेनिफिशियल होती है। ये सारी क्लासेस मैं आपको कंडक्ट करवा के दूंगा। कोर्स की ऑफिशियल फीस 15,900 में स्पेशल ऑफर में केवल और केवल 4999 में, 4,999 में ये फीस आपको ये कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। तो मानस अकेडमी का ऐप अभी डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लीजिए। और ज्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं 8209027250। इट इज माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर, जिस पे जानकारी आप लोगों को मैं दे दूंगा। और वेबसाइट हमारी www.manas.academy पे विजिट कर सकते हैं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल भी फॉलो करना ना भूलें। मानस एकेडमी इंडिया सर्च कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक दिया है। सो जिनको फाउंडेशन कोर्स करना है पॉलिटिकल साइंस का, दे आर मोस्ट वेलकम इन दिस कोर्स, 4,999 में। और हाँ, 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप लोगों को मिलेगा, यानी आप जिस दिन परचेज करते हैं तब से लेके 12 महीने तक के लिए कोर्स आपको अवेलेबल रहेगा। चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं हमारे मेन जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके ऊपर। तो दोस्तों, आप लोगों को पता होना चाहिए 1885 से लेकर के 1895 से लेकर के 1882 तक आचार्य विनोबा भावे जो थे वो हमारे साथ में यहाँ पे हिंदुस्तान के अंदर उनका सानिध्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। 1895 से 1982, माफ कीजिएगा, एरर थोड़ा सा हो गया राइटिंग में, करेक्ट कर देते हैं। 1895 से 1982, 1982 तक मेरे दोस्तों जो हमारे आचार्य विनोबा भावे थे, आचार्य विनोबा भावे, उनके ये विचार हम लोगों को, मतलब इनका जो टाइम पीरियड है, जन्म उनका बर्थ 1895 और उनकी जो मृत्यु है वो 1982 में हुई थी। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे के जो विचार थे, फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक गांधीवादी गांधीयन विचारक थे। और इनका जो सबसे फेमस थ्योरी जो है, जिससे के लिए इनको जाना जाता है और पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा जाता है, दैट इज सर्वोदय की पॉलिसी। सर्वोदय का जो विचार है, सर्वोदय के विचार से ये फेमस हुए और सर्वोदय की इनकी विचारधारा थी। अब ये सर्वोदय की विचारधारा क्या थी, कब थी, तो थोड़ा सा एक हम बैकग्राउंड में चलते हैं। दोस्तों, आचार्य विनोबा भावे, दिनांक लिख रहा हूँ 2 अगस्त, 2 अगस्त 1959, तारीख को याद रखिएगा, 2 अगस्त 1959। आचार्य विनोबा भावे कहाँ जाते हैं? श्रीनगर, जम्मू कश्मीर जाते हैं। श्रीनगर में ये जाकर के अपना एक भाषण देते हैं, अपना एक स्पीच देते हैं एक सभा में। वहां पर ये ABC त्रिकोण यानी ट्रायंगल की कॉन्सेप्ट को प्रतिपादित करते हैं। श्रीनगर में ABC ट्रायंगल आया था। अब बात ये होगी कि सर ये ABC ट्रायंगल है क्या? देखिए दुनिया में उस समय बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, एसोसिएशंस बन रहे थे, बिगड़ रहे थे। एक तरफ नाटो वाले मतलब एक अलग संगठन बन रहा था, इधर से यहाँ पे रशिया के साथ वाले एक जो साम्यवादी देश थे समाजवादी का वो एक अलग ग्रुप बन रहा था। लेकिन हिंदुस्तान के अंदर भी एक पशुपेश था कि कहाँ जाया जाए, बिकॉज हम ऑलरेडी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ मूव कर चुके थे। लेकिन चर्चाएं तो होती हैं, विचारक अपने थॉट्स देते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इनका जो एबीसी ट्रायंगल है, इस ए का मतलब है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, बी का मतलब है बर्मा और सी का मतलब है सिलोन। ए का मतलब अफगानिस्तान, बी फॉर बर्मा जिसे वर्तमान में आप म्यांमार भी बोलते हैं, और सिलोन जिसे अभी करंटली श्रीलंका भी कहा जाता है। तो सर ये अफगानिस्तान, बर्मा और सिलोन को एक टारगेटेड ये एबीसी ट्रायंगल था। इसको अगर हम थोड़ा सा रिलेट करके देखें तो मैं एक छोटा सा मैप अगर बनाऊं तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये बात विनोबा भावे किस संदर्भ में कह रहे हैं। देखिए मेरे दोस्तों, ये जो लोकेशन ये पाकिस्तान की हुई, यहाँ से ये कुछ एरिया अफगानिस्तान का है, अफगानिस्तान के साथ में यहाँ पे आता है नेपाल, यहाँ पे भूटान, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार यानी बर्मा, और यहाँ पे आता है सिलोन यानी कि श्रीलंका। मैप ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा, बहुत क्लियरली हमने चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है। तो क्या नाम था सर, ए, बी और सी। ये रहा ए, ये रहा बी, बी फॉर बर्मा एंड सी फॉर सिलोन। ठीक है सर, सिलोन, सिलोन मतलब श्रीलंका। एक तरह से उनका आइडिया ये था कि क्यों ना एक ट्रायंगल, एक त्रिकोण का निर्माण किया जाए। ये त्रिकोण कुछ इस तरह से होने वाला था। अब आप देखिए ये ट्रायंगल में कितने कंट्री शामिल हो गए। अफगानिस्तान इसमें कवर हो गया, इसमें पाकिस्तान कवर हो गया, इसमें नेपाल कवर हो गया, इसमें भूटान कवर होता है, इसमें बांग्लादेश कवर होता है, इसमें बर्मा या म्यांमार कवर होता है, और इसमें फाइनली आपका श्रीलंका भी कवर होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये 7 देशों को मिला करके एक एसोसिएशन, एक संगठन बनाने का इनका विचार था। उनकी नजर में एबीसी ट्रायंगल का मतलब होता था कि दक्षिणी एशिया यानी जो बेसिकली हमारा साउथ एशिया है, साउथ एशिया का एक ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये साउथ एशिया के ऑर्गेनाइजेशन की बात विनोबा भावे कर रहे थे। जो एबीसी ट्रायंगल है, ए फॉर अफगानिस्तान, ये याद रखने वाली बात, एग्जाम में पूछे जाता है। बी फॉर बर्मा, बिकॉज बी फॉर बांग्लादेश भी होता है, बी फॉर भूटान भी होता है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। एंड सी फॉर सिलोन, बिकॉज सी फॉर कोई कंट्री आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, बिकॉज एस फॉर श्रीलंका याद रहता है, सी फॉर सिलोन याद नहीं रहता है। तो ये कौन सा है, ये सी फॉर सिलोन है। तो अफगानिस्तान, श्रीलंका और बर्मा के बीच का ये जो ट्रायंगल बनता है, जिसमें और हाँ इंडिया, जो कंट्री मेन हम लिखना भूल गए, वो हमारा देश है इंडिया। ये 8 देश मिला करके यहाँ पे प्लानिंग थी कि कैसे एक संगठन बनाया जाए। दोस्तों ये जो विनोबा भावे का विचार था, ये उस समय इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए एक इम्पोर्टेंट होता है, बिकॉज भारतीय विचारकों के अंदर जो सार्क का निर्माण हुआ है, सार्क को जब आप देखेंगे तो आप वो कहीं ना कहीं एबीसी ट्रायंगल के नजदीक नजर आएगा। तो एबीसी ट्रायंगल क्या है आपको ये समझ में आ गया। तो आपको इसका अगर संबंध सार्क से होता हुआ दिख रहा है तो सार्क के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए। तो सार्क के बारे में मैं आपको डिटेल दूं, उसके पहले मैं आपको आचार्य विनोबा भावे के बारे में एक विशेष बात बताता हूँ। तो आचार्य विनोबा भावे, AVB लिख रहा हूँ दोस्तों। इन्होंने जो ये भाषण यहाँ पे दिया था, जो इनकी सभा थी 2 अगस्त 1959 को श्रीनगर में, इसी श्रीनगर के इसी भाषण में एक तो इन्होंने एबीसी ट्रायंगल की बात कही थी, और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने 2 बातें कही। एक कहा सर्वोदय और दूसरी बात कही सर्वनाश। क्योंकि सर्वोदय जनरली पढ़ लेते हैं, सर्वनाश पढ़ने में नहीं आता है, जानिए। इन्होंने कहा कि जब हम स्पिरिचुअलिटी का मतलब होता है आध्यात्म, इन्होंने कहा कि जब हम स्पिरिचुअलिटी के साथ में साइंस को मिलाते हैं तो सर्वोदय होता है, और जिस सेकंड हम पॉलिटिक्स के साथ में यानी राजनीति के साथ में साइंस को मिलाते हैं, विज्ञान प्लस राजनीति बराबर सर्वनाश और विज्ञान प्लस आध्यात्म बराबर सर्वोदय। कहने का मतलब ये था कि विज्ञान के साथ में राजनीति मिलती है तो होता है कि तबाहियां होती है, परमाणु बम बनाए जाते हैं, तो अगर पूछे सर्वोदय की परिभाषा क्या है तो उसको वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी यानी साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी इज इक्वल टू सर्वोदय और साइंस प्लस पॉलिटिक्स इज इक्वल टू सर्वनाश। ये सर्वनाश और सर्वोदय दोनों के विचारों को एक्सप्लेन किया था श्रीनगर के इसी जगह पे 2 अगस्त 1959 को। ये बात यहाँ पे आपको सर्वोदय सर्वनाश वाली क्लियर हुई। आचार्य विनोबा भावे, जैसा कि आप लोगों को समझ में आया, वो सर्वोदय की आइडियोलॉजी देते थे, तो सर्वोदय की आइडियोलॉजी देने वाला कोई व्यक्ति जो कि गांधीवादी है, सबसे बड़ी बात गांधीयन फिलॉसफी से भी इंप्रेस्ड है, इंस्पायर्ड है, इन्हीं क्या नाम अपना आचार्य विनोबा भावे ने, आचार्य विनोबा भावे का एक स्टेटमेंट बड़ा ही गजब का है। उन्होंने वर्ल्ड वॉर के पक्ष में तर्क दिया है। सबसे ज्यादा आश्चर्य इसी पॉइंट पे होता है। आचार्य विनोबा भावे जो कि अहिंसा के समर्थक रहे थे, नॉन वायलेंस के सपोर्टर थे, गांधीयन आइडियोलॉजी के फॉलोअर थे, जो सर्वोदय आइडियोलॉजी के प्रपाउंडर थे, उन्होंने विश्व युद्धों को उचित ठहराया, उन्होंने विश्व युद्ध के पक्ष में तर्क दिया। अब आप लोग भी सोचेंगे सर ऐसा कौन सा लॉजिक हो सकता है जिन्होंने वर्ल्ड वॉर के पक्ष में तर्क दे दिया, तो जान लीजिए इनका बोलना क्या था। इन्होंने कहा जो कलिंग वॉर हुआ था, जो कलिंग का युद्ध हुआ था, कलिंग युद्ध आपको बता देता हूं मैं, सम्राट अशोक ने किया था, ठीक है। अशोक ने कलिंग में युद्ध किया था। कलिंग इज इन उड़ीसा, कलिंग को उड़ीसा का पूरा नाम भी कलिंग ही समझिए। और यहाँ पे इतनी बड़ी हिंसा अशोक ने की थी, जिसके बाद में कलिंग युद्ध के बाद में अशोक का ध्यान पूरी तरह से अहिंसा की तरफ हो गया था, बिकॉज उसकी चेतना, उसकी कॉन्शियसनेस हिल गई थी। तो आचार्य विनोबा भावे कहते थे कि जो वर्ल्ड वॉर होते हैं, वर्ल्ड वॉर लीड्स टू नॉन वायलेंस, यानी विश्व युद्धों से अहिंसा की प्राप्ति संभव है, क्योंकि जब हथियार चलेंगे, जब लोग मौत के घाट उतारे जाएंगे, तो इतनी बड़ी तबाही देख के मानव का मन, जो इंसान का माइंड है, वो हिलेगा और वो कॉन्शियस हो जाएगा कि नहीं यार, कुछ और अल्टरनेटिव रास्ते सोचने चाहिए डिस्प्यूट्स को खत्म करने के। वहीं पे आचार्य विनोबा भावे कहते हैं कि जो स्मॉल वॉर्स होते हैं, यानी जो छोटे युद्ध होते हैं, छोटे युद्धों से क्या होता है, हिंसा भड़कती है। छोटे युद्धों से व्यक्ति की कॉन्शियसनेस नहीं जाती, उसको मारकाट करने की और फितरत डेवलप होती है, उसमें और ज्यादा आग भड़कती है कि वो वायलेंस करे। लेकिन जब बड़े स्तर पे युद्ध होते हैं, वर्ल्ड वॉर जैसे होते हैं, वो उनको क्या करते हैं, अहिंसा की तरफ ले जाते हैं। इसलिए उनका बोलना था कि जो वर्ल्ड वॉर हुए हैं, ये भी जान लीजिए, जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था वो 1914 से 1918 तक हुआ था, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। ये दो विश्व युद्ध अभी तक हुए हैं। तो ये चीज आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है कि आचार्य विनोबा भावे के क्या थॉट थे, उन्होंने क्या सर्वोदय की आइडियोलॉजी दी, कौन सी सर्वनाश की आइडियोलॉजी दी। रिपीट कर लेते हैं, सर्वोदय इज इक्वल टू साइंस प्लस स्पिरिचुअलिटी और सर्वनाश इज इक्वल टू साइंस प्लस पॉलिटिक्स। उसके साथ में ABC ट्रायंगल, अफगानिस्तान, बर्मा एंड सिलोन, याद रखना बर्मा का नया नाम म्यांमार है, सिलोन का नया नाम श्रीलंका है, और विश्व युद्ध का समर्थन। तो ये कहानी हमारे रही है आचार्य विनोबा भावे की। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको सार्क के बारे में भी कुछ डिटेल देंगे, तो गाइस ये सार्क का मैप आप देख, सार्क का जो मैप नहीं है, सार्क का लोगो कह लीजिए, सार्क का फ्लैग कह लीजिए, तो यहाँ पे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ये जो आपको जगह दिख रहे हैं, दीज आर द मेंबर्स ऑफ सार्क। ये सार्क का एक तरह से हम मैप कह लीजिए, इसका लोगो कह लीजिए। सार्क के बारे में कुछ डिटेल जानते हैं। सार्क जो सार्क है, सार्क का हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू, आपके सामने स्क्रीन पे एकदम क्लियर है, काठमांडू नेपाल में सार्क का हेडक्वार्टर है। ऑफिशियल लैंग्वेज सार्क की इंग्लिश है, ठीक है। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हेडक्वार्टर कहाँ हो गया, काठमांडू नेपाल में ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश हो गई। इसकी साउथ एशियन बेसिकली डोमिनेंस वाले कंट्रीज हैं यहाँ पे। मेंबर इसके टोटल 8 हैं और 9 ऑब्जर्वर हैं। सदस्य 8 हैं, ऑब्जर्वर मतलब होता है पर्यवेक्षक, तो पर्यवेक्षक कितने हो गए 9, मेंबर हो गए 8। इसमें कौन कौन से है वो नेक्स्ट स्लाइड में आप लोगों को मिलेगा। वर्तमान में अगर लीडर की बात करें तो सेक्रेटरी जनरल, बिकॉज इसका सेक्रेटरीट होता है, तो जो सेक्रेटरी जनरल होता है महासचिव, इसको क्या कहेंगे महासचिव। महासचिव इसका ऑर्गेनाइजेशनल हेड होता है और वर्तमान में 3 मार्च 2020 से वर्तमान तक के लिए एसाला रुआन विरकॉन वर्तमान में कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के हैं, ठीक है, श्रीलंका से है ये। एलासा रुआन विरकॉन श्रीलंकन है और वर्तमान में सार्क के महासचिव हैं। और सार्क को 8 दिसंबर 1895 को एस्टैब्लिश किया गया था। 8 दिसंबर 1985 को इसको क्या किया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। काठमांडू नेपाल इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज, साउथ एशियन कंट्रीज इसमें आती हैं और मेंबर्स इसके 8 मेंबर हैं और 9 ऑब्जर्वर यानी पर्यवेक्षक हैं। सेक्रेटरी जनरल इसका जो लीडर होता है वो सेक्रेटरी जनरल होता है, वो एलासा रुआन विरकॉन है जो श्रीलंका से है। 3 मार्च 2020 से वर्तमान तक और 8 दिसंबर 1985 को इसको एस्टैब्लिश किया गया था। दोस्तों अगर आप मैप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये जो एरिया ग्रीन कलर में हाईलाइट हो रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया जो है ये सार्क का एरिया है। तो यहाँ पे आप श्रीलंका देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखिए तो इंडिया हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। ये एरिया जो है ये सार्क का एरिया है और सार्क का एरिया कवर होता है। आगे चलते हैं, ये पूरा मतलब एक ग्लोब के ऊपर आपको थोड़ा सा और पिक्चर क्लियरिटी के लिए हमने बताया है। 8 मेंबर देखिए सर, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। पीछे चला जाए सर तो मालदीव्स की लोकेशन कुछ यहाँ पे है, बहुत छोटे से द्वीप है लगभग यहाँ पर, तो आप यहाँ पे मान के चलेंगे मालदीव्स, श्रीलंका, आपके इंडिया, भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका। ये 8 कंट्रीज यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। और इसके जो 9 ऑब्जर्वर हैं वो हैं ऑस्ट्रेलिया, चाइना, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, मॉरिशस, म्यांमार, साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स। मेरे दोस्तों ये दोनों ही डिटेल बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंबर्स के नाम जनरली हमें याद होते हैं, लेकिन एग्जाम में ऑब्जर्वर कंट्रीज को भी पूछ सकता है। मैप के थ्रू अगर मैं आप लोगों को समझाऊं तो देखिए जी, हमारे मेंबर हो गए ब्लू कलर में, लेकिन स्काई ब्लू कलर में देखेंगे तो आपको ऑब्जर्वर दिखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान से सीमा लगाता हुआ ये ईरान है, ठीक है, ये ईरान हो गया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया बिना कोई डाउट के क्लियर है। ये बर्मा यहाँ पे हमें समझ में आ गया, बर्मा के साथ में ये है मेरे दोस्तों मलेशिया, ठीक है, यहाँ पे है ये साउथ कोरिया, ये है बहुत बड़ा चाइना, माफ कीजिएगा यहाँ पे है मलेशिया हो गया। इसके अलावा ये है साउथ कोरिया, साउथ कोरिया यहाँ है, ये रहा आपका जापान, ठीक है, और ये पूरा का पूरा यूरोपियन यूनियन और यूएसए। अगर हम कंट्रीज को देखें तो यहाँ पे साउथ कोरिया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, मॉरिशस, जापान, ईरान, यूरोपियन यूनियन। तो अगर मॉरिशस की हम बात करें तो मॉरिशस की लोकेशन लगभग आपको देखने को मिलेगी सर कहीं यहाँ पे, मॉरिशस की लोकेशन यहाँ पे है। तो ये इसके ऑब्जर्वर कंट्रीज हैं, ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक होते हैं। तो दोस्तों टॉपिक समझ आया होगा, पसंद आया होगा। क्लास कैसी लगी अपना कमेंट करके आप जरूर बताएंगे, आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। और कौन से टॉपिक को आप पढ़ना और चाहते हैं वो हमें प्लीज आप अपना कमेंट करके हमें बताएं। तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में जरूर से शेयर कीजिएगा और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके आप ये हमें बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और कौन से वीडियो पे आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं। Because Manas Academy is a one-stop solution of NET JRF, especially for political science and paper 1. तो चलिए जी, तो जो भी मेरे दोस्त NET JRF की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, इसी तरह से इन डिटेल इन डेप्थ चीजों को समझना चाहते हैं, स्वागत रहेगा आपका Manas Academy के एप्लीकेशन पे। आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, फर्दर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम चैनल मानस एकेडमी इंडिया पे जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, अदरवाइज आप सर्च भी कर सकते हैं। दोस्तों जो कोर्स के फीचर्स आप लोगों को हमने बता दिया, एक कोर्स है, मल्टीपल एग्जाम्स में आपको हेल्प होगी, गारंटी है। ऑल 10 यूनिट्स कवर्ड है, टू द पॉइंट टीचिंग है, बेसिक टू एडवांस अप्रोच में काम करते हैं। नो नीड टू फॉलो एनी बुक और नोट्स, कुछ नहीं आपको एक्स्ट्रा फॉलो करना पड़ेगा। बायलिंगुअल सेशंस होंगे, मैं इसको कवर करूंगा। सो मानस एकेडमी का ऐप अभी डाउनलोड कर लीजिए, जो भी स्टूडेंट iOS यानी एप्पल स्टोर से ऐप स्टोर से डाउनलोड करते हैं, iOS वाले हैं, वो एप्लीकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो उनको ऑर्गेनाइजेशन कोड पूछा जाएगा। तो ऑर्गेनाइजेशन कोड बता देता हूँ, PUGOH। ये उनके लिए है जो ऐप आईफोन यूज करते हैं और iOS से अगर आप ऐप डाउनलोड कर रहे हैं तो ऐप सेम लिंक पे डाउनलोड होगी, बट वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड डालना होगा PUGOH। ठीक है सर, ज्यादा जानकारी कोर्स की चाहिए 8090272550 पे आप व्हाट्सएप करिए और हमारे साथ में जुड़े रहिए। तो भी जो भी हमारे दोस्त हैं सभी को विश यू वेरी हैप्पी लर्निंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और कोई जानकारी चाहिए आपको, हमने नंबर दे दिया है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोग आगे आएंगे, बहुत मजबूती से आपकी तैयारी कराएंगे। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय।